बैठने का अभ्यास भी हो जाएगा। प्रेम जी की जय श्री राधे, जय श्री राधे। सबसे पहले जित आसन हो, जित आसन बनो, उसके बाद जित श्वास हो, उसके बाद किसे जीतना है, अपनी श्वास को जीतना है। श्वास को कैसे जीता जाएगा, तो श्वास जीतने के लिए बंधुओं सनातन धर्म में हमारा जो ब्रह्मचर्य जीवन है उसको प्रारंभ करने से पूर्व हम सबको संध्या उपासना सिखाई जाती है। संध्या मतलब त्रिकाल संध्या। संध्या कहते हैं जब दो समय आपस में मिल जाते हैं तो उसे संध्या कहते हैं। जैसे सुबह, जैसे जब शुरू होती है तो सुबह के बाद जैसे दोपहर शुरू होती है तो वो भी संधि काल है। दोपहर को भी रात्रि का पहर और सुबह का पहर जब दोनों मिलते हैं प्रातः 4 बजे के करीब तो वह प्रातः संध्या कहलाती है। जब दोपहर को सूर्य नारायण बिल्कुल हमारे सर के ऊपर आ जाते हैं तो वो मध्यान्ह संध्या कहलाती है। और जब सायंकाल में सूर्य भगवान अस्त हो रहे होते हैं और रात्रि का प्रथम पहर प्रारंभ होना शुरू होता है तो उसे बोलते हैं साय संध्या। तो त्रिकाल संध्या हम सबको करनी चाहिए। जो ब्रह्मचर्य है उनको तो बहुत जरूरी है, नहीं तो दो समय तो हम सबको भगवान का स्मरण करना चाहिए सुबह और शाम। लेकिन उसको करने के लिए सबसे पहले हमारा जो श्वास है वो हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, जिसके लिए एक प्राणायाम विधि है कुंभक रेचक पूरक। 3 प्रकार से प्राणायाम होता है। जैसे कि अपना जो दाहिना हाथ है ना, इसका जो अंगूठा बाहर निकाल करके अपने नासिका का जो दाहिना छिद्र है उसे बंद करो और बाएं छिद्र से ऊपर सांस खींचो। गायत्री मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए वहां पर तो 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते समय वो सांस जो है वो ऊपर खींचनी, अपने मस्तिष्क तक लेकर जानी है। लेकिन जब खींचनी है तो उतने समय के अंतराल हमें ब्रह्मा जी का ध्यान करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो श्वास ऊपर पहुंच गई तभी अपनी मध्यांत और तर्जनी उंगली से नासिका का बाहरा बाहर शुद्ध जो है उसे बंद कर दिया। बाया शुद्ध जब बंद कर दिया तो उसके बाद फिर उसी मंत्र का उच्चारण करते हुए उस श्वास को अपने पूरे मस्तिष्क में घुमाना है और उस अवधि में हमें भगवान विष्णु का स्मरण करना है। और फिर बाया छिद्र बंद रखना है और दाहिने छिद्र में जो अंगूठा लगाया था उसे धीरे धीरे छोड़ना है और सारे का सारा जो स्टोर किया हुआ श्वास है उसे धीरे 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 दाहिनी नासिका से बाहर फेंकना है। तो क्या होगा, आपके मस्तिष्क में जितने भी उल्टे सीधे ख्यालात होंगे, विकार होंगे, वो श्वास के द्वारा बाहर चले जाएंगे। 3 प्रकार 3 बार जो प्रक्रिया करनी चाहिए, धीरे धीरे वो सारे विकार बाहर चले जाएंगे और हमारा श्वास जो है वो हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। इस प्रकार हम श्वास के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले किसे जीतना है, जित आसन, पहले किसे जीतना है, आसन को, और उसके बाद श्वास को जीतना है। जितासनो जित श्वासो जित संगो सबसे पहले आसन को जीतो, फिर श्वास को जीतो और 3रे नंबर पर संघ को जीतो। किसी के पास आप जाओ ना कि अगर को लगे ना कि भैया हमारी ये सहेली ज्यादा लोगों की चुगली निंदा करती है कि उसकी बातें करती है तो उसका संग छोड़ दो। कोई ऐसी सहेली जो राम की बात करती हो, जो आपके आपके साथ महाभारत की बात करती हो, रामायण की बात करती हो, गीता की बात करती हो, भागवत की बात करती हो, उसके साथ संग बनाओ। संग को जीतने से कहते हैं अच्छे व्यक्तियों का संग करो, जो किसी की बुराई ना करे, बुरा भी हो उसे भी जो कहे कोई बात नहीं, क्योंकि जो अच्छा है वो भी भगवान ने बनाया
जो बुरा है वो भी भगवान ने बनाया, क्योंकि भगवान ने जब संसार को बनाया ना, एक बात ध्यान से सुनना, तो भगवान ने चार चीजों को मुख्य रूप में रखा। कौन कौन से? सबसे पहले जड़, सबसे पहले जड़, दूसरे नंबर पर चेतन, तीसरे नंबर पर गुण और चौथे नंबर पर दोष। जड़ चेतन गुण दोष माया विश्व की न करता। और एक बात और बताऊं, जो व्यक्ति आपको लगे ना ये बुरे व्यक्ति है, आपकी दृष्टि में अगर जो आपको लगे कि ये बुरा है, उसे प्रणाम करो, उसे ज्यादा प्रणाम करो, उसकी ज्यादा आप उसकी ज्यादा बात करो भगवान से, क्योंकि भगवान ने अगर वो बुरा ना बनाया होता ना, तो आप अच्छे नहीं होने। आप अच्छे हैं इसका मतलब कि दुनिया सारी की सारी अच्छी नहीं है। अगर आप अच्छे हैं इसका मतलब उसका श्रेय बुरे व्यक्ति को जाता है। कोई व्यक्ति गोरा है ना, तो उसे काले की प्रशंसा करनी चाहिए, अगर वो काला ना होता तो गोरे की प्रशंसा नहीं होनी थी। अगर कोई बुरा ना होता तो अच्छे की प्रशंसा नहीं होनी थी। अगर भगवान ने ऐसा ना बनाते तो बताओ जीवन का कोई स्वाद होता, कोई मजा होता? अगर सभी एक ही जैसे होते फिर तो कोई मजा ही नहीं था। आज आपकी आप अच्छा कर्म करो, आपकी प्रशंसा हो, तो आपको उसमें बुरे व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहिए कि दुनिया बुरी है तो हम अच्छे हैं तो हमारी प्रशंसा हो रही है। अगर सभी अच्छे होते तो किसी की प्रशंसा नहीं होनी थी। ये बातें अगर हम अपने जीवन में उतारते चलेंगे ना बंधुओं, हमारा जीवन इतना सुखमय होगा, इतना सुखमय होगा। आप चेतन है ना, जब तक हमारे अंदर वो चेतनता है, वो चेतन रूप में चित्त रूप परमात्मा हमारे अंदर बैठा है, हमारे इतने भी शरीर है वो चेतन बन गए। अपने शरीर को उठाकर अपने घर ले जाओ, उसे उठाकर कथा पंडाल में ले आओ, उसे उठाकर बाजार ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, क्योंकि चेतन रूप में वो परमात्मा अंदर बैठा है। जब ये शरीर के अंदर से वो चेतन तत्व निकल जाता है तो ये जड़ हो जाता है। और भगवान ने आपका घर जो है वो बताओ चेतन बनाया जड़ बनाया? अगर आपका घर चेतन होता ना, आपकी तरह घूमने फिरने वाला होता, तो सारा दिन अपना घर ही ढूंढते रह जाते। क्योंकि अगर आप कहीं घूमने गए तो घर का भी तो मन करेगा कहीं घूमने चले जाए, तो वो भी जलंधर पहुंच गया होता तो पूरी रात आप अपना घर ही ढूंढते रहते, सुबह काम करते शाम को आपका घर ही नहीं मिलना था कि भैया कहाँ चला गया। इस प्रकार भगवान ने जो कुछ भी बनाया ना, उसमें हम सबको भगवान की उस कारागिरी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे दिल में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाओ। इसलिए इन चारों का अगर अभ्यास हो गया, जित आसनो जित संगो जित स्वांसो जितेंद्रिय, उसके बाद इंद्रियों को जीतो। हमारी आंखें कहती है कि अच्छा चित्र देखना है, तो इन आंखों के ऊपर संयम का कोड़ा मारो और कहो कि अरे भगवान से भी सुंदर कोई है, उसे भगवान का चित्र दिखाओ, भगवान की कथा दिखाओ, भगवान का कथा पंडाल दिखाओ। कान कहते हैं कि भैया स्वर संगीत सुनना है, तो भगवान का भजन सुनाओ। जीभ कहती है कि भैया सुंदर स्वाद चाहिए, तो स्वाद जीभ को जरूर दो, लेकिन उस स्वाद के साथ भगवान को जोड़ दो। अपने घर में जो भी भोजन बनाते हो, जो भी स्वादिष्ट भोजन बनाते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, उसे भगवान को निवेदित करके फिर खा लो, तो वो भोजन नहीं रहेगा, वो प्रसाद बन जाएगा। आपकी जीभ भी खुश और आप भी खुश। अपनी इंद्रियों को जीतो जितेंद्री, उसके बाद सारे संसार को भगवान का ही स्वरूप मानो। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुगपन। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, भगवान के मन में क्या आया, भगवान ने कैसे दुनिया बनाई, कैसे सृष्टि की उत्पत्ति की? तो सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, भगवान ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की ना, तो भगवान जब चाहते हैं कि मैं एक से अनेक बनूं, तो भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि ऋषियों ने भगवान से 6 प्रश्न किए हैं, और 6 प्रश्नों को तो आपने सुन लिया, लेकिन उनके उत्तर भी आप सुनिए। इन 6 आने वाले इतने में
पांच दिन है आज का मिलाकर के, इन पांच दिनों में आपको इन छवि के छह प्रश्नों का उत्तर कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा, लेकिन प्रश्न आपको याद रहने चाहिए। सबसे पहला प्रश्न कौन सा था कि मानव के कल्याण का मार्ग क्या है, ये प्रश्न पहला प्रश्न था। तो बंधु मानव के कल्याण का मार्ग केवल और केवल केवल और केवल वह भगवान का स्मरण करें, अपना तन मन धन भगवान को निवेदित करें और सच्चा भक्त बनकर के सदा भगवान के संग में रहे। एक होता है साथ रहना, एक होता है संग रहना। जो साथ है वो छूट सकता है लेकिन संग छूटता नहीं है। हम भगवान के संग में रहे इसलिए जहां कथा को हम सत्संग भी कहते हैं। भगवान सत्य है और सत्य का संग करना वो सत्संग है। इसलिए बंधुओं हम सबको भगवान के संग में रहना है, व्यक्ति का कल्याण इसी में। और दूसरा प्रश्न क्या था कि भगवान अगर अजन्मा है तो भगवान जन्म क्यों लेते हैं। ऋषियों ने कहा कि भगवान अजन्मा है तो भगवान ने अगर जन्म लेना है तो वो हमसे पूछकर तो जन्म नहीं लेगा। वास्तव में भगवान जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान जन्म कब लेते हैं, भगवान हम सबके साथ ही जन्म लेते हैं। थोड़ा सा आप बुद्धि पर जोर देकर के विचार करो कि अगर हम अपना एक घर बनाते हैं ना, तो घर बनाने से पहले हम भूमि खरीदते, भूमि खरीदने के बाद हम उनकी नींव बनाते हैं, तो फिर मिस्त्री बुलाया हमने, कहा कि भैया हमने घर बनाना है, तो मिस्त्री क्या कहेगा कि बाबूजी पहले मटेरियल लेकर आओ, पहले ईंट लेकर के आओ, फिर सीमेंट लेकर के आओ, फिर आप रेत लेकर के आओ, फिर आप बजरी लेकर के आओ, फिर आप सरिया लेकर के आओ, फिर आप जल लेकर के आओ। तो ये मटेरियल घर को खड़ा करने के लिए, उसके बाद जब घर खड़ा हो गया इन पदार्थों से तो फिर अंदर और भी कई प्रकार से काम चलते ना, लकड़ी का काम चलता है, लोहे का काम चलता है, अंदर और भी कई प्रकार के उपकरण हम लगाते हैं, तो कितना मटेरियल लगता है घर को बनाने के लिए, लगता है या नहीं लगता है? वो मटेरियल हमें कहां से मिलता है, बाजार से मिलता है। लेकिन बंधुओं जब विचार करके देखो, जब भगवान संसार को बनाते हैं, जब भगवान ने संसार को बनाया तो भगवान ने कहीं से कोई मटेरियल नहीं खरीदा। क्यों? क्योंकि भगवान के अतिरिक्त संसार में कुछ था ही नहीं, केवल और केवल भगवान ही थे। भगवान ने जब सोचा कि मैं एक से अनेक बनूं, जब भगवान ने सोचा कि मैं एक से अनेक बनूं, तो भगवान ने अपने अंदर से ही पंच तत्वों को बनाया। जिन पांच तत्वों से हमारा जन्म हुआ है वो कौन कौन से तत्व है पता है आपको? सबसे पहले पृथ्वी, दूसरे नंबर पर आकाश, तीसरे नंबर पर जल, चौथे नंबर पर अग्नि और पांचवें नंबर पर वायु। भगवान ने इन पांच तत्वों को बनाया। भगवान गौर निद्रा में थे, भगवान की नाभि कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। भगवान के नाभि कमल में से जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा, ब्रह्मा जी के चार मुख प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी बन गए चतुर्भुज, चतुर्मुख ब्रह्मा जी। जब चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, केवल और केवल जल ही था, क्योंकि भगवान क्षीर सागर में विश्राम करने नाभि कमल में से ब्रह्मा जी आए, कभी उस नाभि की वो जो नाल है उसके अंदर जाते हैं, कभी बाहर आते हैं, कभी अंदर जाते हैं, कभी बाहर आते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी का कितने वर्षों तक आवागमन चलता रहा, कभी अंदर कभी बाहर, लेकिन अपने आप को भी ढूंढ नहीं पाए, तो फिर आंखें बंद की ध्यान लगाए, क्योंकि भगवान को अगर ढूंढना है तो केवल और केवल ध्यान से ही भगवान मिल सकते हैं। हमारा जो जहां हम हमारी माताएं बिंदी लगाते हैं, यहां पर हम तिलक लगाते हैं, इस स्थान को हम आज्ञा चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र के द्वारा हम चारों ओर देखते हैं। जैसे आपको और थोड़ा सा आसान करके बताऊं, हम सबके पास मोबाइल फोन है ना, ये एंड्रॉइड मोबाइल फोन जो है उनमें से हमें अनेक प्रकार की एप्लीकेशनें मिलती हैं। अगर हम कहें कि भाई आपके मोबाइल में हमने ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है,
तो आप कहां से डाउनलोड करोगे? प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर में जाओगे, एप्लीकेशन का नाम भरोगे, वो डाउनलोड हो जाएगी। कैसे डाउनलोड होती है? गोल 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 घूमता है ना वो इंटरनेट, तो जितना जबरदस्त इंटरनेट होगा वैसे उतनी जल्दी वो एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। ऐसे ही हमारा ये जो शरीर का ये भाग है ना आज्ञा चक्र, ये समझ लो बंधु एक प्रकार का प्ले स्टोर है। इस प्ले स्टोर के माध्यम से हम अपने जीवन में अनेक प्रकार की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, लेकिन वो जो डाउनलोड होने वाली एप्लीकेशन है ना, अगर तो वो भगवान से जुड़ी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ज्यादातर लोग इधर उधर की बेकार की एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने आप को हैंग कर लेते हैं। प्रेम से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अगर इधर उधर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली तो हम हैंग हो जाएंगे, फिर बेटा इधर खींच रहा है, बेटी इधर खींच रही है, हमारे भाई बंधु उधर खींच रहे हैं, सखा इधर खींच रहे हैं, संसार इधर खींच रहा है, पत्नी यही इधर खींच रही है, वो इधर खींच रहा है, तो व्यक्ति बेचारा हैंग हो जाता है। फिर कोई वो हैंग मोबाइल को लेकर के जाएगी, बाबू जी ये हैंग हो रहा है, तो वो जो मोबाइल ठीक करने वाला व्यक्ति होगा वो कहेगा कि भैया पहले इसे खाली करो, पहले इसमें से जो बेकार की एप्लीकेशन है उसे डिलीट करो। जब हम उन्हें डिलीट करते हैं तो हमारा मोबाइल जैसे ठीक हो जाता है, वैसे ही जब इधर उधर की बातों से हम अपना संबंध हटा देते हैं तो बंधु हम भी शांत हो जाते हैं। प्रेम से ये जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इसलिए भगवान वो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया अपने अंदर ढूंढा तो ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिए, कौन कौन से? त और प। क्या बन गया? तप। तो ब्रह्मा जी ने तप किया, कितने वर्षों तक तप किया। तप करने के बाद भगवान का साक्षात्कार हुआ और बंधुओं भगवान ने ब्रह्मा जी को चार श्लोक प्रदान किए, जो श्लोक ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान किए थे, नारद जी ने कल वेदाव्यास जी को प्रदान किए थे, जिन श्लोकों से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रादुर्भाव हुआ। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय हरि जी से किया था। प्रेम से जय श्री राम, जय श्री राम। ये जो प्रश्न आप मेरे से पूछ रहे हैं, यही प्रश्न विदुर जी ने किया था, किससे? मैत्रेय हरि जी से। कल आपने कथा सुनी थी ना विदुर जी की, विदुर जी जो महाभारत के युद्ध में तीर्थ यात्रा में चले गए थे। बंधु जो महापुरुष होते हैं ना, जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, वो नहीं चाहते कि कोई युद्ध हो, कोई गड़बड़ हो, वो तो चाहते हैं कि भैया सब कुछ बढ़िया हो जाए, शांति हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो तो यही चाहते हैं कि सारा संसार सुख से रहे। लेकिन उन व्यक्तियों की चलती का है, विदुर जी जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया और तीर्थ यात्रा में चले गए, लेकिन जब विदुर जी तीर्थ यात्रा से लौट कर आ रहे थे ना, तो रस्ते में विदुर जी को मिले उद्धव जी। कल आपने सुना था ना कथा में, भगवान जब जा रहे थे तो भगवान ने उद्धव को अपनी चरण पादुकाएं दी थी, कहा कि इन चरण पादुकाओं को बद्री नारायण में स्थापित कर देना, अगर मार्ग में मेरा विदुर मिले तो मेरे विदुर को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने के लिए मैत्रेय हरि जी महाराज के पास भेज देना। आज विदुर जी की भेंट हुई है उद्धव जी के साथ। उद्धव जी ने विदुर जी को देखा और देखते ही विदुर जी को उद्धव जी गदगद हो गए। विदुर जी ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी कैसे हैं आप? आप हमारे प्यारे के भगवान के परम सखा हैं, हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? महाभारत के युद्ध का क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा, ये सारी सूचना विदुर जी पूछ रहे उद्धव जी से। उद्धव जी की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि विदुर जी आपको कुछ नहीं पता? तो कहा कि मैं तो तीर्थ यात्रा पे गया था ना, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता, आप बताइए ना हमारे ठाकुर जी कैसे, हमारे प्यारे कैसे। उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी भगवान तो कब
कब की अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम को चले गए, अब वो इस ग्रह के ऊपर नहीं है। महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीता है, वो धर्म की स्थापना करके हमारे ठाकुर जी अपने धाम को चले गए। विदुर जी फूट फूट करके रोने लगे कि मैं बहुत अभागा हूं, मेरे जैसा अभागा भक्त और कोई नहीं हो सकता जो जाते समय अपने ठाकुर का दर्शन भी नहीं कर पाया। लेकिन उद्धव जी कहते हैं कि विदुर जी आप ऐसा क्यों कहते हो? अरे महाराज, आप अपने आप को अभागा कहते हो, लेकिन हमारी दृष्टि में आप जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं है। आप जैसा भाग्यशाली मैंने आज तक नहीं देखा। लाख लाख मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। जो ऋषि मुनि संत लाख लाख जतन करते हैं कि भगवान अंत समय में उनके ध्यान में आ जाए, लेकिन वो परमात्मा अपने अंत समय में आपको याद कर रहा था। वो मुझे और मैत्री हरि जी से कह रहे थे, भगवान कि मैंने जिससे जो कुछ लिया है वो सूत समेत लुटा करके दिया है, लेकिन मेरा एक भक्त है विदुर जिससे मैंने कुछ लिया है लेकिन उसका मूल्य मैंने अभी तक नहीं चुकाया। मेरे विदुर ने जो मुझे दिया है उसके बदले में मैंने विदुर को कुछ नहीं दिया। विदुर जी रोने लगे कि भगवान को मैंने तो कुछ नहीं दिया, भगवान किस मूल्य की बात कर रहे थे? उद्धव जी कहते हैं कि विदुर जी, भगवान ने क्या आपके घर में सरसों का साग खाया था? क्या भगवान ने आपके घर में केले के छिलके खाए थे? भगवान केले के छिलके का स्वाद बता रहे थे, भगवान आपके घर में बना हुआ सरसों का साग उसका स्वाद बता रहे थे, भगवान उसका व्याख्यान कर रहे थे भगवान। और भगवान कहते, इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने कहीं नहीं किया जो विदुर ने इतने प्रेम से इतने भाव से मुझे खिलाया। कहा कि प्रभु, वो उन केलों के छिलके में क्या स्वाद था जिसका स्वाद जिसका व्याख्यान भगवान अपने अंत समय में कर रहे थे। तो विदुर जी को वो सारी की सारी बात याद आई, कथा याद आई। आते हैं भगवान बुलाने वाला चाहिए, आते हैं भगवान बुलाने वाला चाहिए, आते हैं भगवान बुलाने वाला चाहिए, आते हैं भगवान बुलाने। लोगों का बलिदान ही दे सकते। अरे वो दुष्ट दुर्योधन मानता क्यों नहीं है? आप राजा हैं, आप आदेश देंगे ना महाराज। अगर शरीर का कोई अंग खराब हो जाए ना तो उसको कटवा देने में ही सबकी भलाई है, सारे अंगों की भलाई है। इसलिए महाराज, चाहे वो आपका पुत्र है, मैं नीति की बात कर रहा हूं, ऐसे पुत्र को घर से निष्कासित कर देना चाहिए, घर से बाहर निकाल दो अगर मृत्यु दंड नहीं दे सकते। ये सारी बातें बाहर खड़ा दुर्योधन सुन रहा था, क्रोध से लाल पीला होकर के अंदर गया और जाकर के विदुर जी को इतनी बातें सुनाई कि हमारे टुकड़े पर पलने वाला विदुर हमारा खाता है और हमारे खिलाफ ही हमारे पिता को भड़काता है। अगर तू हमारा मंत्री नहीं होता तो मैं तुम्हारी जीव खींच लेता, तुम्हें मृत्यु दंड दे देता, लेकिन तू रिश्ते में हमारा चाचा भी लगता है, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। विदुर जी को इस बात का बुरा नहीं लगा कि दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया। विदुर जी को इस बात का बुरा लगा कि राजा के सामने ये असभ्य बालक हमारी इतनी बेइज्जती किए जा रहा है, लेकिन राजा मौन है, राजा कुछ बोल नहीं रहा। इसलिए विदुर जी ने कहा कि अब इस राष्ट्र का कल्याण नहीं है। विदुर जी ने कहा कि दुर्योधन, तू मुझे क्या नौकरी से निकालेगा भैया, मैं खुद ही इस्तीफा देता हूं। विदुर जी ने इस्तीफा लिख करके दे दिया। विदुर जी ने सारा काम धंधा जो भी उनकी सेवा थी उस सेवा से अपना इस्तीफा दे दिया और सीधे अपने घर आ गए। विदुर जी की धर्म पत्नी है विदुरानी, जिनका नाम है मृदुला। विदुर जी गए, मृदुला ने विदुर जी से कहा कि मैंने सुना कि द्वारिकाधीश भगवान आने वाले, भगवान हस्तिनापुर आने वाले, अब भगवान आएंगे ना जाने आगे क्या भूमिका बनेगी,
इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करूं, आप मंत्री है ना, अगर हो सके ना तो भगवान के चरण हमारे घर में पड़ जाए, भगवान का हमारे घर में भी आगमन हो जाए, आप भगवान से विनय करना, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान हमारे घर में आ सकते हैं क्या, भगवान हमारा दुख स्वीकार कर सकते हैं। विदुरानी विदुर से कहती है, विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए। विदुर जी ने कहा कि मृदुला जी तो बहुत देर हो गई, अब मैं हस्तिनापुर का मंत्री नहीं हूं, मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो कहा कि तुम्हारी इच्छा तो मैं पूर्ण नहीं कर सकता, भगवान हमारे घर में आए ना आए, लेकिन हम तो भगवान के दर्शन के लिए जाएंगे ना, साधारण प्रजा की तरह हम भी भगवान का दर्शन करने के लिए जाएंगे। मृदुला ने कहा कि प्रभु आप जाइए, भगवान के दर्शन करके आइए, मैं भी अपने घर का काम धंधा निपटा करके भगवान के दर्शन के लिए आऊंगी। विदुर जी भाग करके गए। जैसे कि भगवान की कथा में कुछ भक्त ऐसे होते हैं ना, जो भगवान की कथा का एक शब्द भी छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो समय से आकर के बैठ जाते हैं, पहले अपना आसन जमा लेते हैं। ऐसे विदुर जी भाग करके गए, सबसे पहले जाकर के खड़े हो गए उस दरबार के, सबसे पहले जाकर खड़े हो गए कि भगवान आएंगे, कहीं भीड़ में मैं पीछे ना चला जाऊं, भगवान का मुझे दर्शन ही ना हो, सबसे पहले जाकर विदुर जी खड़े हो गए। भगवान का रथ आया, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, भगवान के जयकारों से पूरे का पूरा हस्तिनापुर गूंज उठा। विदुर जी प्रसन्न हो गए, विदुर जी ने भगवान को देखा, हाथ जोड़ करके भगवान का स्वागत किया। भगवान का स्वागत करने के बाद विदुर जी खड़े हो गए, भगवान सीधे अंदर राजभवन में आए, जहां पर दरबार सजा था, भगवान का बहुत सुंदर स्वागत किया गया विषम पितामह जी के द्वारा, द्रोणाचार्य जी के द्वारा। लेकिन विषम पितामह जी को इतना कुछ नहीं पता था कि विदुर जी अपनी सेवा से इस्तीफा दे चुके हैं। अब विषम पितामह भी इधर तो देख रहे थे कि विदुर अभी नहीं आया, लेकिन विदुर जी पीछे भीड़ में खड़े, भगवान का स्वागत किया गया, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान को पता था कि आज विदुर जी का भी अपमान हुआ है। भगवान आकर के अपने आसन पर बैठे, धृतराष्ट्र अपने राज सिंहासन पर बैठा हुआ था, विषम पितामह इत्यादि को भगवान ने नमस्कार किया, विषम पितामह ने इन सब ने भगवान को प्रणाम किया। विषम पितामह ने भगवान से कहा कि प्रभु आप क्या प्रस्ताव लेकर के आए हैं, कृपया आप बताइए। भगवान खड़े हो गए, भगवान ने धृतराष्ट्र से कहा कि प्रभु मैं पांडवों का प्रतिनिधि बनकर के आया हूँ, पांडवों की ओर से आया हूँ, एक शांति प्रस्ताव लेकर आया हूँ, शांति दूत बनकर के आया हूँ। पांडव मेरे अनुज हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बुआ के बेटे, और मेरे ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, मेरे से बड़ा प्यार करते हैं। आज मैं जो भी उनके लिए मांग लूंगा वो उसी में अपना अपना मत दे देंगे। मैं चाहता हूं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप 5 गांव हमारे पांडवों को दे दो। मैं चाहता हूं मेरे भाइयों को, पांडवों को आप 5 गांव दो, ये 5 गांव अगर आप उनको दे दोगे तो वो उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। ये बात भगवान धृतराष्ट्र से कर रहे हैं, लेकिन उसी समय दुर्योधन खड़ा हुआ और भगवान से कहने लगा, अरे द्वारिकाधीश, आप पांडवों के लिए 5 गांव की मांग कर रहे हैं, हम तो सुई जितनी नोक जितनी स्थान भी पांडवों को नहीं देंगे, सुई जितनी जगह भी पांडवों को नहीं देंगे। भगवान ने दुर्योधन से कहा कि अरे असत्य बालक, मैं बात तो राजा से कर रहा हूं, तू बीच में क्यों बोला। जब भगवान ने ऐसा कहा तो दुर्योधन उल्टा भगवान को ही बोलने लगा, भगवान से उल्टी पुल्टी बात करने लगा कि तुम कितने सभ्य हो, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तुम गवाले हो, तुमने जो माखन चुराया वो तो गवाला है ना, गऊ चराने वाला, तुम्हें क्या पता सभ्यता असभ्यता में क्या अंतर होता है। भगवान को उल्टा सीधा बोलने लगा। भगवान कहने लगे, दुर्योधन तुम्हें तुम्हारे जो तुमने मेरे साथ ये व्यवहार निभाया है, जो तुमने सिखाया किसने, भगवान ऐसी बातें कर रहे थे। दुर्योधन फिर उल्टा भगवान को कहने लगा कि चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बंदी बना लूंगा। अपने सैनिकों से कहा कि बना लो इस ग्वाले को बंदी। भगवान ने कहा कि तू मुझे बंदी बनाएगा। भगवान ने उसी समय विराट रूप धारण किया जो सबको दिखाई दिया, उनको
जिनको भगवान प्यारे थे, विष्णु पितामह जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, आगे तो भगवान का वो विराट स्वरूप दिखाई दिया, लेकिन हमने जितने भी दुष्ट थे उन सबकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। शकुनी ने सचेत किया, अरे दुष्ट क्या कर रहा है, भगवान को बंदी बना रहा है, अरे जय इनके पास सुदर्शन चक्र है, ये क्या कर सकते हैं, तुम्हें पता नहीं है, जल्दी जल्दी इनसे क्षमा याचना मांग। भगवान शांत हो गए, फिर अपने मामा की बात सुनकर के भगवान से हाथ जोड़ करके कहता है कि प्रभु आपको तो पता ही है मेरे स्वभाव का, मुझे बात बात पर क्रोध आ जाता है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी का पहले अपमान भी कर देते हैं फिर बाद में ऐसी बातें भी करते हैं, इसलिए शब्द को सदा सोच समझ करके बोलना चाहिए। कहा कि प्रभु आपको मेरा स्वभाव पता है ना, इसलिए छोड़ो आप महाराज, हम पांडवों को कुछ नहीं देंगे। अब ये बात कहने लगे, अब भगवान ने भी कह दिया अब महाभारत के युद्ध को कोई रोक नहीं सकता, अब तो आप युद्ध की तैयारी करो, हम तो जो प्रस्ताव लेकर के आए थे आपको अगर नहीं मंजूर तो फिर युद्ध होकर रहेगा। तो कहा कि प्रभु युद्ध तो होगा लेकिन आप चलिए अंदर। कहां चलिए? तो कहा कि प्रभु आप इतनी दूर से आए हैं, आपके लिए जलपान, आपके लिए भोजन की व्यवस्था। अब भगवान को बता रहा है कि हमने आपके लिए मेवे मंगवाए हैं, आपके लिए हमने बादाम मंगाए हैं, हमने आपके लिए काजू मंगाए हैं, हमने आपके लिए किशमिश मंगाई है। अपने मेवों का व्याख्यान करने लगा, 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, जे बनाया आपके लिए, वो बनाया आपके लिए। भगवान को बताने लगा कि हमने महाराज आपके स्वागत के लिए इतना सारा सम्मान तैयार किया। भगवान ने कहा कि दुर्योधन क्षमा करना, मैं तुम्हारे साथ भोजन नहीं कर सकता। दुर्योधन ने कहा कि क्यों नहीं कर सकते? भगवान कहते हैं कि भोजन तीन परिस्थितियों में होता है। सबसे पहली परिस्थिति यह है कि व्यक्ति को बहुत जोर की भूख लगी हो, भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हो, तो व्यक्ति के सामने अगर भोजन की ऑफर आए तो व्यक्ति उसे ठुकराता नहीं है, जल्दी जल्दी भोजन कर लेता है। अब दूसरी, भगवान के दूसरी परिस्थिति वो होती है कि व्यक्ति किसी के साथ बहुत प्यार करता है, अगर भर पेट भोजन करके भी आया है अपने घर में तो आगे प्यार से कोई ऑफर करे ना तो व्यक्ति एक दो रोटी तो खा ही लेता है कि चलो प्यार से खा ली। तो कहा कि प्रभु ये बात आपने कैसे कह दी कि मैं आपसे प्यार नहीं करता? भगवान ने कहा कि अभी अभी मुझे बंदी बना रहे थे, कितना प्यार मेरे से करते हो ये तो मुझे पता ही। अब कहा कि तीसरी परिस्थिति, तो भगवान कहते तीसरी परिस्थिति वो होती है जब कोई आपको निमंत्रण दे, किसको आपने, किसी ने आपसे कहा कि आज आप आओगे ना, आज आपने भोजन हमारे घर करना है, तो व्यक्ति पहले से ही अपने पेट में जगह बना करके आता है, इसलिए मैं तुम्हारे घर में इस तीसरी परिस्थिति के कारण भी भोजन नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता। दुर्योधन कहता है कि प्रभु अगर आप इतनी दूर से आए हैं तो सीधी सी बात है, भोजन तो आपको हमारे घर में ही करना पड़ेगा क्योंकि आपको तो किसने निमंत्रण नहीं दिया यहां। तो कहा कि तुम्हें किसने कहा कि मुझे किसने निमंत्रण नहीं दिया? तो कहा कि दिया है, किसने दिया है? तो भगवान ने कहा कि मुझे विदुर जी ने निमंत्रण दिया है। विदुर जी पीछे भीड़ में खड़े हैं, सबसे आगे खड़े हैं और अपने मन में विचार करने लगे कि भगवान को हमने निमंत्रण दिया, हम तो पति पत्नी सुबह अपने घर में बात कर रहे थे लेकिन भगवान इतने कृपा निदान है कि भगवान मन की बात भी जानते हैं। तो भगवान की बात को सुनकर के विदुर जी बात करके अपने घर गए, अपने घर जाकर के अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे मृदुला, अरे मृदुला, अरे मृदुला, सुनती हो? तो कहा कि क्या द्वारिकाधीश भगवान आ गए? विदुर जी कहते हैं आगे नहीं, वो तो हमारे घर आने के लिए तैयार है। अरे तुमने जो अंदर भाव से उनको पुकारा था, भगवान उस भाव को सुन करके हमारे घर आने वाले हैं। उन्होंने पूरे हस्तिनापुर दरबार में सबसे कहा कि आज उनका भोजन हमारे घर में। विदुरानी इधर उधर भागने लगी, प्रभु हम क्या करें, हमने तो ठीक से रसोई नहीं बनाई। तो कहा कि हमारे घर में तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। विदुर जी ने कहा कि तू जल्दी जल्दी रसोई साफ कर, जल्दी जल्दी व्यवस्था कर, मैं बाजार से उसके लिए कुछ ना कुछ खोए के लड्डू, मेवा, मिश्री इत्यादि लेकर के आता हूं, हम अपने प्यारे को भोजन करवाएंगे, वो हमारे घर आता होगा। आते हैं भगवान।
बिस्कुट इत्यादि की आप व्यवस्था पहले ही करके रखते हैं, लेकिन जो अतिथि होता है उसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती, वो कब आपके घर आ जाए उसे कहते हैं अतिथि, अतिथि देवो भव। भगवान कहते कुछ ना कुछ तो होगा, वो लेकर के आओ। आज हरि आए विदुर घर पावणा, आज हरि आए विदुर घर पावणा, विदुर घर पावणा, विदुर घर पावणा, विदुर घर पावणा, आज हरि आए विदुर घर पावणा, आज हरि आए विदुर घर पावणा। विदुरानी भाग करके रसोई में गई, कुछ नहीं दिखा, बाहर गई, कदली का परण लगा हुआ था, कदली के कुछ केले के वृक्ष लगे हुए थे, उसमें से केले लगे हुए थे, विदुरानी ने केले तोड़े, जल्दी जल्दी भाग करके भगवान के पास लेकर के आई। भगवान से कहा कि जितनी देर आपके चाचा नहीं आते उतनी देर इनसे काम चलेगा? भगवान ने कहा जरूर चलेगा, लेकिन आज आपको देख करके ना मुझे माँ यशोदा की बड़ी याद आ रही है। वो आपकी तरह मेरे से मुझे देखती रहती थी और अपने हाथों से खिलाती थी माखन मिश्री, और मैं चाहता हूं आप मुझे अपने हाथों से एक केले खिलाइए। विदुरानी भगवान के प्यार में इतना डूब गई, इतनी बाबरी हो गई कि छिलका उतारती है और भगवान के मुख में देती है, दूसरा छिलका उतारती है भगवान के मुख में देती है, और जो अंदर की गिरी होती है ना, जो केला होता है जो खाने वाला, उसे गिरा देती है। केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी ही बांबरा नहीं है, यहां पर भगवान भी प्रेम में बांबरा हो गया, उल्टी पीढ़ी पर बैठा है, उसको कुछ सुध बुध नहीं है, और केले का छिलका खा रहा है, उसे कोई सुध बुध नहीं है, भगवान प्रेम से केला खा रहे। लागे बहुत सुहावना, भगवान उल्टी पीढ़ी पर बैठे हैं और भगवान केले के छिलके खा रहे हैं, विदुरानी गिरी गिरी नीचे गिरा रही है और भगवान के मुख में केला दे रही है, और भगवान उस छिलके को बड़े प्यार से खा रहे हैं। विदुर जी आए और आकर के खरी खरी बातें सुनाई विदुरानी को, अरे क्या कर रही हो मूर्ख, तुम्हें नहीं पता क्या कर रही हो, इतनी भामरी हो गई, भगवान को कहां बिठा रखा है, भगवान को क्या खिला रही है।
छिलका दे श्याम मुख माई, छिलका दे श्याम मुख माई, कहाँ गवाई भावना ताने, कहाँ गवाई भावना। आज हरि आई विदुर घर पावना, आज हरि आई विदुर घर पावना, आज हरि आई विदुर घर पावना, आज हरि आई विदुर घर पावना। विदुर जी कहते हैं भगवान से कि प्रभु जी तो आपके प्रेम में बांबरी हो गई, इसकी जो स्थिति है वो तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन प्रभु ये आपका घर है, आप उल्टी पीढ़ी पर बैठे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ने अपने नीचे आसन को देखा और भगवान की आंखों से आंसू आ गए। भगवान ने कहा कि विदुर जी मैं सच बताऊं कि मुझे नहीं पता कि मैं कहां बैठा हूं, उल्टी पीढ़ी पर बैठा हूं, सीधी पीढ़ी पर बैठा हूं, लेकिन सच बताऊं मुझे बैठ करके सुख बहुत प्राप्त हुआ है, बहुत अच्छा लगा है। विदुर जी कहते हैं कि प्रभु बहुत तो ठीक है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, आप खा क्या रहे हैं, ये तो पागल आपको छिलका खिला रहे, गिरी गिरी नीचे गिरा रहे। भगवान ने छिलके को देखा, भगवान कहते हैं विदुर जी सच बताऊं, जे भी सत्य कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि जे मैं छिलका खा रहा हूं, लेकिन ये छिलका नहीं है, इतना स्वादिष्ट आज तक मैंने केला नहीं खाया, केले का फल मैंने इतना स्वादिष्ट नहीं खाया, जितना स्वाद इस छिलके में आया उतना स्वाद आज तक मुझे कहीं नहीं आया। मुझे जा तो माँ यशोदा ने माखन मिश्री खिलाया उसमें स्वाद आया, या फिर मेरे सुदामा ने जो मुझे चावल खिलाए उसमें स्वाद आया, या फिर मुझे माँ शबरी ने जो जूठे बेर खिलाए हैं उसमें स्वाद आया, और चौथा स्वाद आपके छिलके में आया। विदुर जी ने विदुरानी को थोड़ा सा होश में लेकर आए और कहा कि जे मैं खोए के लड्डू लाया हूं, माखन लाया हूं, इन सब को ला जा मेरे ठाकुर जी के लिए परोस कर ला। ठाकुर जी खड़े हो गए। भगवान कहते हैं जे बाजार की वस्तुएं मैंने बहुत खाई हैं, बहुत भोग लगते हैं, आज मैं इनको नहीं खाऊंगा। भगवान खड़े हुए, सीधे रसोई में चले गए। रसोई में बंधुओं विदुरानी ने चूल्हे के ऊपर साग रखा हुआ था। आपकी रसोई तक कौन जाएगा, आपके घर में कितने मेहमान आते होंगे, कितने अतिथि आते होंगे, लेकिन आपकी रसोई तक वही पहुंच सकता है जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, जिसके साथ आपका बहुत गहन संबंध है, वही व्यक्ति आपकी रसोई तक पहुंच सकता है। भगवान खुद ही विदुर जी की रसोई घर में चले गए। विदुरानी ने साग रखा हुआ था, भगवान ने ऊपर से ढक्कन उठाया, भगवान ने अपनी उंगली से साग उठाया और अपने मुख में भगवान ने खुद ही खाया। जैसे बच्चे खाते हैं ना साग उंगली से, ऐसे ठाकुर जी ने वो साग का स्वाद चखा और बहुत ज्यादा भगवान को आनंद आया। इसलिए बंधुओं आज हम जब भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो भगवान को भोग लगाते समय हम विदुर जी का वो साग भी जा दिलाते हैं। दूरियों बन के में भी त्यागे,
हमारे ऊपर कृपा की थी। अब आप बताओ हमने कौन सा भगवान को कोई पदार्थ खिलाया था? भगवान ने केले के छिलके खाए, भगवान ने वो सरसों का साग खाया, और उस बात के लिए भगवान कह रहे थे कि मैंने विदुर का कर्जा अभी तक नहीं दिया, विदुर से कुछ लिया है लेकिन विदुर को कुछ दिया नहीं है। ये लेने देने के संबंध जो होते ना हमारे संसार में, जिस संबंध तो हम किसी को देते हैं तो आशा रखते हैं कि इससे ज्यादा हमें मिलेगा, लेकिन भगवान से सीखिए, जिन्होंने विदुर जी के घर केले के छिलके खाए, सरसों का साग खाया, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि जे मूल्य मैंने अभी तक नहीं चुकाया। बंधुओं ध्यान में रखना, ध्यान में विचार करना कि जे मूल्य ना सरसों के साग का मूल्य है, ना जे मूल्य विदुर जी के उन केलों के छिलकों का मूल्य है। बंधुओं अगर भगवान किसी मूल्य की बात कर रहे हैं ना, तो केवल और केवल वो भाव का मूल्य है, वो प्यार का मूल्य है। अगर वो भाव वो प्रेम आप भगवान से करेंगे ना, तो फिर भगवान विदुर जी की तरह हम भी भगवान के स्नेही बन जाएंगे। भाव काबू काबू में और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको बजो तो भव से बेड़ा पार है। उद्धव जी ने विदुर जी से कहा कि आप जाइए हरिद्वार में, वहां पर मैत्रेय हरि महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास भगवान की वो धरोहर है जो आपको सौंपना चाहते हैं। विदुर जी आए, मैत्रेय हरि जी ने बड़ा स्वागत किया, विदुर जी को उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि बीच की कथाओं को भी हम श्रवण करें, क्योंकि सर्दी में अगर आप इतना बहुमूल्य समय निकाल करके आते हैं तो बहुत बड़ी बात है। विदुर जी पिछले जन्म में धर्मराज थे, लेकिन मांडव ऋषि के श्राप के कारण उन्हें दासी पुत्र बनना पड़ा। ये सारी की सारी कथा विदुर जी को सुनाई, और फिर विदुर जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई है। मैत्रेय हरि महाराज ने, जहां से विदुर जी मैत्रेय हरि जी का संवाद प्रारंभ होता है, विदुर जी ने सृष्टि के विषय में प्रश्न किया तो मैत्रेय जी ने सुनाया कि भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी ने तप किया और भगवान ने चतुश्लोकी भागवत प्रदान की, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा जी ने सब कुछ बनाने के बाद जब मनुष्य सृष्टि की उत्पत्ति की तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने चार पुत्रों को जन्म दिया। ये कौन है? सनकादि ऋषि, जिन्होंने कल कथा सुनाई थी भक्ति ज्ञान वैराग्य नारद जी को, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इनका प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो सृष्टि करो, इन्होंने मना कर दिया, प्रभु ये काम हमसे नहीं होगा तो आप क्या करोगे? तो कहा कि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हम हरि की शरण में रहेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, ब्रह्मा जी की बुकटी से रुद्र भगवान का प्रादुर्भाव हो गया, बोली रुद्र भगवान की जय। रुद्र भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान से कहा कि आप सृष्टि कीजिए, तो रुद्र भगवान ने भूत प्रेत की सृष्टि प्रारंभ कर दी, भूत प्रेत बना दिए। ब्रह्मा जी ने देखा कि भैया ये भूत प्रेत किस काम के, सृष्टि को बंद करो। रुद्र भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि अब आप बताइए हमें क्या करना है, तो कहा कि आपने कुछ नहीं करना, बस भजन में चले जाओ। तब से हमारे भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठ करके भजन कर रहे हैं। प्रेम से कहे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। फिर ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम है मारीचि अत्रि अंगिरा पुलह पुलस्त कृतु भृगु वशिष्ठ दक्ष और देवऋषि नारद जी। 10 पुत्रों को जन्म दिया और अपनी छाया में से कर्दम भगवान का प्रादुर्भाव किया, कर्दम ऋषि का, बोली कर्दम ऋषि जी महाराज की जय। जय जय ब्रह्मा जी के छाया से और प्रजापति सबसे पहले यही बने थे। और फिर ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने अंग में से मनु जी महाराज को पैदा किया और अपने वाम अंग में से शत्रुपा मैया को पैदा किया, स्त्री पुरुष का एक जोड़ा बनाया जिनसे मैथुनी सृष्टि का आगे चल करके संचालन हुआ। बोलिए मनु जी महाराज की जय, बोलिए शत्रुपा मैया की जय। इसलिए हम सभी मनु जी महाराज के संतान हैं, इसलिए हम सब मानव कहलाते हैं। उनको मानव क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम सभी मनु जी महाराज की संतानें हैं। मनु जी महाराज से ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मैथुन सृष्टि की रचना कीजिए और भी अपनी तरह स्त्री पुरुष बनाइए। मनु जी महाराज ने कहा कि प्रभु
हम मैथुन सृष्टि तब करेंगे ना जब पृथ्वी हमारे पास होगी, पृथ्वी तो हमारे पास है नहीं। वो पृथ्वी को हिरणाक्ष नाम का जो दुष्ट है, दैत्य है, वो तो जल में लेकर के चला गया। ब्रह्मा जी को शीक आई, ब्रह्मा जी की शीक में से, नासिका में से एक कीड़ा निकला और देखते ही देखते वो बरहा भगवान के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। बोलिए बरहा भगवान की जय। और कल एक ऋषियों का प्रश्न और था कि भगवान के कितने कितने अवतार हैं, तो सबसे पहले भगवान के अवतारों की गिनती सुन लो। भगवान के 24 अवतार हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के अंतर्गत, और इन 24 अवतारों में, 24 अवतारों की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन सरिता में हम श्रवण करेंगे, एक एक करके, कोई आगे कोई पीछे। पहले आपने जो सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, इन चार ऋषियों का जो कथा सुनी है, ये भी भगवान का ही अवतार है। फिर दूसरा, भगवान बरहा रूप में प्रकट हुए, भगवान जल के भीतर गए, भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया और पृथ्वी को जल के बाहर लेकर के आए, मनु जी महाराज को प्रदान की। मनु जी महाराज ने मैथुन सृष्टि प्रारंभ की और मनु जी महाराज सतरूपा मैया, इनके द्वारा 5 संतानों को जन्म दिया गया। उनमें से 2 पुत्र हैं, 3 बेटियां हैं। 3 बेटियां कौन कौन सी हैं? आकुति, देवहूति और प्रसूति। नाम याद रखना, क्योंकि अपने बच्चों को अगर हम ज्ञान दें ना, तो हमारे बच्चे संस्कारी भी होंगे, ज्ञानवान भी होंगे, फिर हमारा भी ध्यान रखेंगे, अपना भी ध्यान रखेंगे, राष्ट्र का भी ध्यान रखेंगे। क्योंकि हर किसी जीव के ऊपर कुछ ना कुछ ऋण होते हैं, जैसे माता पिता का ऋण है ना हमारे ऊपर, इसी प्रकार राष्ट्र का भी हमारे ऊपर ऋण है। जिस राष्ट्र की रक्षा के लिए हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपना पूरे का पूरा परिवार कुर्बान कर दिया था, किसकी रक्षा के लिए? धर्म की रक्षा के लिए। अगर हम जहां बैठ करके भाव से कथा सुन रहे हैं ना, तो ये गुरु जी महाराज का ही हमारे ऊपर ऋण है, इसलिए हमें उन कुर्बानियों को भूलना नहीं चाहिए। मुझे हमारे राष्ट्र का जो इतिहास है वो हमें अपने बच्चों को जरूर बताना चाहिए। मनु जी महाराज ने 5 संतानों को जन्म दिया, 3 बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम है प्रियव्रत, छोटे बेटे का नाम है उतानपाद। सबसे पहले कथा सुनाई है जो मंजली बेटी है, देवहूति। देवहूति का विवाह हुआ था किसके साथ? कर्दम ऋषि के साथ, जो प्रजापति। 3 बेटियों का विवाह प्रजापतियों से हुआ। सबसे पहले मंजली बेटी की कथा सुनो, देवहूति। ये किसकी बेटी है? मनुजी महाराज की। कर्दम ऋषि जब ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए, तो कर्दम ऋषि के मन में विवाह करवाने की इच्छा प्राप्त हुई, प्रकट हुई। मन में भाव आया कि हमारी पत्नी हो, हमारा ध्यान रखने वाली हो, हमारा खान पान का, हमारे भजन का, सबका ध्यान रखने वाली। लेकिन कौन सी पत्नी की मांग की? धर्म पत्नी की। पत्नी भी एक प्रकार की नहीं होती, एक होती है पत्नी, एक होती है धर्म पत्नी, और तीसरी होती है अंग्रेजों वाली वाइफ। पत्नी वो होती है जो अपने पति का पतन करवाए, अपने पति की कमाई को शॉपिंग मॉल में जाकर उड़ाए, उसे कहते हैं पत्नी। धर्म पत्नी वो होती है आप सब की तरह, जो अपने पति की कमाई को धर्म कर्म के काम में लगाए। आपके पति कमाते हैं ना, तो उनकी कमाई से ही आप कोई भी धन इत्यादि जो कुछ भी वो ला करके भगवान की कथा में चढ़ा दें, या डॉक्टर B.S. मान जी का, उनके सहयोगियों का सहयोग करें। ये सभी धर्म पत्नी, और आप सभी धर्म पत्नी हैं, अपने ऊपर मत बात लेना कि हमने आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। पत्नी वो है जो अपने पति की कमाई को शॉपिंग मॉल पे उड़ाती है, वो होती है पत्नी, पतन करवाने वाली। धर्म पत्नी जो अपने पति को पतन से बचाए और पति को धर्म के कार्य में लेकर के जाए, भगवान की कथा पति को सुनाए, अगर पति के पास समय है तो उसे पकड़ करके भगवान की कथा में लाए, अगर पति नहीं आ सकता तो उसका धन भगवान की कथा में लगाए,
वो कौन सी पत्नी है बोलो? आपकी आवाज तो आई नहीं, कौन सी पत्नी है? थोड़ा और जोर लगाओ। अगर मैं थोड़ी सी छूट दे दूं ना कि कोई भी बात करो तो इतनी आवाज आएगी, इतनी आवाज आएगी, तुझे सारे के सारे हमारे भाई परेशान हो जाएंगे, पंडित जी आपने छूट क्यों दी? अब काम की बात पूछ रहा हूं तो आपकी आवाज निकल नहीं रही। कौन सी पत्नी? धर्म पत्नी। समझ में आ गया ना? पत्नी का भी समझ में आ गया, धर्म पत्नी का भी समझ में आ गया। अब तीसरी कौन बची? बोलो, वाइफ। वाइफ का मतलब पता क्या होता है? फुल फॉर्म वाइफ की, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। जो बिना सूचना दिए, बिना इंफॉर्मेशन दिए हर पल अपने पति से झगड़ती रहती है, वो कहलाती है वाइफ। लेकिन ये वाइफ अंग्रेजों का शब्द है, हमने अंग्रेज थोड़ी नहीं बनना, हमने तो सच्चे हिंदुस्तानी बनना है, हमने तो सच्चे सनातनीय बनना है, हमने तो सच्चे सिख बनना है गुरु के। जैसी जैसी परिस्थिति हुई हमारे गुरुओं ने वैसे वैसे पूरे का पूरा पंथ निकाला, रास्ता निकाला। क्योंकि ये बड़ी लंबी चौड़ी कथाएं हैं, अगर इनको बुद्धि से अगर श्रवण करेंगे ना तो फिर आपको किसी में किसी प्रकार का भी दोष नजर नहीं आएगा। जैसी जैसी परिस्थिति होती है भगवान वैसे वैसे पंथ चलाते हैं, भगवान वैसे वैसे रास्ते निकालते हैं। जैसे कि अभी आपने कथा सुनी ना कि भगवान गए शांति दूत बन करके, भगवान ने तो कहा कि बीच में से कोई रास्ता निकाले महाभारत का युद्ध टल जाए। जब वो पंथ नहीं निकला, वो रास्ता नहीं निकला, तो फिर भगवान ने कहा कि भाई अब तो युद्ध से ही काम बनेगा, फिर भगवान ने महाभारत करवाया। ये कथा सुनने का मतलब यही है कि हमें पता चले कि किन परिस्थितियों में महाभारत का युद्ध हुआ, किन परिस्थितियों में हमारे गुरुओं ने कुर्बानियां दी, ये सब हमें ज्ञात होना चाहिए और हमें उन पद चिन्हों के ऊपर चलना चाहिए। तो हम सभी जब तक इन बातों को मानेंगे नहीं ना, प्रैक्टिकल अपने जीवन में नहीं करेंगे, तो बहुत सी ऐसी बातें बीच बीच में अगर हम एक दो दृष्टांत दे भी दें तो उनको समझना बड़ी अच्छी बात है। अभी हमारे पंकज भैया लाइव कर रहे हैं इस कथा को, और इनका चैनल भी है। हमारे बिट्टू कश्यप जी वो भी अपने चैनल से, हुशियारपुर न्यूज, हुशियारपुर अपडेट, उस चैनल से इस कथा को बीच बीच में जन समुदाय तक पहुंचा रहे हैं। अब एक दो दिन पहले ना एक मैसेज आया था कि कोई नया कानून निकला जिसके कारण हमारे जो ड्राइवर भाई हैं उन्हें स्ट्राइक कर दी थी, हड़ताल कर दी थी, और सबको सूचना मिली कि भैया अब पेट्रोल पंप बंद होने वाले हैं। पता है ना सबको, पेट्रोल पंप बंद होने वाले हैं। अगर पेट्रोल डलवा लोगे ठीक है, नहीं तो आगे पेट्रोल पंप ना जाने कब खुले। जब इस बात की अफवाह उड़ी तो लोगों ने इतना जाम लगा दिया पेट्रोल पंप के ऊपर, इतनी हफड़ा दफड़ी मचा दी, तो बहुत ज्यादा लोगों ने उस बात के लिए लाइन के ऊपर लाइन लोग आगे आगे बढ़े। तो पंकज भैया ने एक मैसेज डाला, वो मैसेज बड़ा अच्छा मैसेज था, हमने भी उसका बहुत ज्यादा अच्छा कमेंट भी किया इनको, और हम सब आपको बताना भी चाहते हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी कि ये तो पेट्रोल बंद हुआ है, पेट्रोल के बिना तो हम जी सकते हैं या नहीं जी सकते? अगर यही परिस्थिति पानी को लेकर आ गई फिर कल को जीवित तो हो सकता है कि जमीन से पानी ही समाप्त हो जाए। वो परिस्थिति जैसे जैसे हम जल का दुरुपयोग कर रहे हैं, इतना दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस कार्य के लिए जल है उस वो तो है, लेकिन जल को इतना बहा रहे हैं, इतने वृक्ष काट रहे हैं, कोई जल स्त्रोत्र को हमने बचाया नहीं है, इतना गंद डाल रहे हैं जल स्त्रोत्र में। तो बंधु विचार करके देखो, जब जल का संकट आएगा फिर क्या होगा? पेट्रोल के बिना, डीजल के बिना तो हमारा जीवन चल सकता है, लेकिन जल नहीं तो कल नहीं। हम क्या करते हैं, जब ऐसे मैसेज कोई डालता है तो हमें उनको शाबाशी देनी चाहिए, और केवल पढ़ने से, केवल और केवल सुनने से बात नहीं बनेगी, हमें उसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा। हम होशियारपुर वाले बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे
क्षेत्र में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर लखवीर जी, आपने सभी ने उनका उनके वीडियो देख रहे होंगे ना, और हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे साथ उनका बड़ा प्यार है, लेकिन वो इतने आप ही के क्षेत्र में रहते हैं, मैं उनका घर नहीं जानता, इधर उधर ही कहीं उनका घर है, लेकिन वो इतना ज्यादा अपने काम के प्रति ईमानदार है, इतने ईमानदार है, वो बेचारे दिन रात लगे रहते हैं कि हम सबकी जाने बच सके, हम जो पॉइजन खा रहे हैं, हम जो जहर खा रहे हैं उनसे हमें बचाया जा सके। अभी मैं वीडियो देख रहा था उनकी, एक तो वो किसी दुकान में गए तो वहां पर जो गिलास में जल आता है ना, पानी आता है जो हम पीते हैं, अब उनका वो विरोध कर रहे थे कि ये पानी जो है वो किसी काम का नहीं है, इस पानी को पी करके किसी का पेट खराब हो गया, कोई व्यक्ति को कैंसर हो गया, जाइए ये हो गया वो हो गया, तो उसका वो विरोध कर रहे थे। तो हमें क्या करना है, अगर वो बेचारे हमारे लिए वो कर रहे हैं, कभी वो कहीं जा रहे हैं, कभी हमारे खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं, फिर उनके ऊपर वो पूरी की पूरी जानकारी हमें दे रहे हैं, तो हम केवल देख रहे हैं कि भैया जो व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से निभा रहा है, लेकिन क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, हम भी तो वो जल लेना बंद कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जब लेना बंद कर देंगे तो बिकना भी बंद हो जाएगा, ऐसे महापुरुष का सहयोग हो जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कल से वो जल कथा पंडाल में ना आए, आप अपने घर से, आपके घर में जो सिस्टम लगे हुए एरो सिस्टम, वहीं से जल भर करके कोई वाटर कूलर बाहर रख दो, वो गिलास इत्यादि हम बंद करें, जो प्रण लें, मैंने तो ये प्रण कल से ले रखा है कि हम उस जल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे महापुरुष, क्योंकि भगवान अपना शंख चक्र गदा लेकर के जहां प्रगट नहीं होंगे, ऐसे महापुरुषों के अंदर से ही भगवान आएंगे, अपने मैसेज देंगे, तो हमें तो खुद पहचानना है। मैंने भी वो पोस्ट शेयर की थी, उसमें लिखा भी था कि भैया भगवान किसी ना किसी रूप में ही हमें सचेत करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको निमंत्रण दे रखा है डॉक्टर साहब ने, वो अगर आएंगे तो उनके सामने अगर बहुत जल होगा तो उनको कष्ट होगा, तो मैं इसलिए कहता हूं कि वो जल हम सब ने बंद करना है, क्योंकि जितने भी भाई बंधु जहां बैठे हैं, आपकी बेटी की शादी है, आपके बेटे की शादी है, तो उस शादी में वो जल प्रयोग करना बंद करो, ताकि अगर वो हमारी चिंता कर रहे हैं तो हम अपनी चिंता क्यों ना करें भैया, अगर उसमें कोई ना कोई असुविधा होगी, उसमें कोई ना कोई बीमारी के लक्षण होंगे, इसलिए तो उनका विरोध वो करें, डॉक्टर कर रहे हैं। इसलिए हम सबको इन छोटी छोटी बातों के ऊपर चिंतन करना पड़ेगा, तब जाकर के ये भगवान की कथा हमारा जीवन सुधार सकती है। मनु जी महाराज ने पृथ्वी की, कर्दम जी महाराज ने मन में विचार किया कि पत्नी होनी चाहिए, लेकिन जब भगवान के ध्यान में चले गए, जब भगवान का ध्यान लगाया, भगवान की तपस्या की, तो सब कुछ भूल गए, क्योंकि जब भगवान में व्यक्ति मिल जाता है तो फिर कुछ संसार की वस्तुओं का बोध नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जो आनंद संसार में है उस आनंद को कहते हैं विषयानंद। हम जिस आनंद से आनंदित होते हैं, हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारी पत्नी, हमारा ये, हमारा वो, ये आनंद विषयानंद है। इस विषयानंद में जब जो जी रहे हैं उनको जो विषयानंद बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन विषयानंद के बाद जब व्यक्ति को ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है तो विषयानंद एकदम फीका लगता है। तो ब्रह्मानंद में जब पहुंच गए तो विषयानंद बिल्कुल भूल गए। समय आया, भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा कि कर्दम तुमने बहुत बड़ा तप किया, वर मांगो क्या मांगते। कर्दम ऋषि ने कहा कि प्रभु आप मिल गए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ऐसे कैसे कुछ नहीं चाहिए, अरे तुम्हारे मन में भाव था ना कि तुम्हारी धर्म पत्नी हो जो धर्म कर्म में तुम्हारा साथ दे, तुम्हारे साथ रहे। तो कर्दम ऋषि शर्मा गए, तो कहा कि प्रभु वो तो वैसे ही मेरे मन में भाव आया। भगवान ने कहा कि मेरे पुत्र के मन में भाव आया और मैं पूरा ना करूं, बेटा उसकी व्यवस्था मैंने कर दी है, मैंने ब्रह्मा जी से कह दिया कि मेरे बेटे के लिए मनु जी महाराज की मंजली बेटी देव होती है उसको नियुक्त कर दो, आपके पास मनु जी महाराज सतरूपा मैया अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे और आप उनका हाथ थाम लेना, उनसे विवाह कर लेना। कर्दम ऋषि ने कहा कि प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन एक निवेदन है, अगर आप अपनी मर्जी से मुझे धर्म पत्नी दे रहे हैं ना,
तो फिर मेरा एक और छोटा सा निवेदन है कि आप अपने जैसा एक पुत्र भी मुझे दे देना, उस पत्नी से मुझे आपके जैसा एक पुत्र भी हो। भगवान ने कहा कि अपने जैसा तो मैं कहां ढूंढ करके लाऊंगा, मैं वरदान देता हूं कि मैं खुद ही आपके घर पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान ने इतना कहा, भगवान तथास्तु कह करके चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। मनुष्य रूपा जी अपनी मंजली बेटी देवभूति का हाथ लेकर के आए, कर्दम ऋषि ने स्वीकार किया। लेकिन कर्दम ऋषि को भगवान की तपस्या का इतना चस्का था, इतना चस्का था, जैसे ही ध्यान में बैठे और अखंड समाधि लग गई हजारों वर्ष की, नई नवेली दुल्हन घर में आई, लेकिन कर्दम ऋषि का ध्यान समाधि में चला गया। हजारों वर्षों के बाद जब समाधि खुली तो आंखें खोल करके देखा, बाहर एक बूढ़ी स्त्री खड़ी है, डंडा लेकर के कमर झुकी हुई है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई है, पूरे का पूरा शरीर मुरझा चुका है, बाल सफेद हो चुके हैं, दांत टूट चुके हैं। बूढ़ी स्त्री को सामने देखा, कर्दम ऋषि ने पूछा कि देवी आप कौन है? तो देवहूति कहते हैं कि प्रभु वाह, ऐसी भगवान की समाधि में गए कि मुझे भूल गए। महाराज आज से हजारों वर्ष पहले मेरे माता पिता आपको मेरा हाथ दे करके गए थे, मेरा विवाह आपसे हुआ, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ देवहूति। कर्दम ऋषि ने कहा कि आविष्कारी ऐसे साइंटिस्ट संत हमारे राष्ट्र में हुए, कर्दम ऋषि जैसे, जिन्होंने बूढ़ी देवहूति को जवान बना दिया, खुद बूढ़े से जवान बन गए। तो कहा कि देवी जो भी चाहिए सब मिलेगा, ऐसा आविष्कार किया, ऐसा जहाज बनाया जिस जहाज का नाम था कामग विमान। क्या नाम था? कामग विमान, याद रखना, क्योंकि बच्चे बड़े प्रभावित होते हैं ना कि जी आविष्कार हो गया, वो आविष्कार हो गया। हम भी बड़े प्रभावित होते हैं कि भैया ये वीडियो कॉल है, वीडियो कॉल तो नेट के द्वारा चलती है, लेकिन हमारे जो संत थे, हमारे जो ऋषि थे, वो तो घर बैठे ही ध्यान में ही सब कुछ देख लेते थे, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। जहां तक अब तक ऐसा साइंटिस्ट नहीं कोई पैदा हुआ, जहाज बना जो ऊपर लोगों को उड़ाता है, लेकिन वो भी ईंधन से चलता है, वो भी जहाज का ईंधन अलग से होता है, उससे चलता है। लेकिन बंधुओं ऐसा आविष्कार किया कर्दम ऋषि ने कि एक विमान बनाया जिसका नाम था कामग विमान। उसकी विशेषता क्या थी? वो कामग विमान बंधुओं मन की इच्छा से चलता था, जहां मन कहता था वहां वो लेकर के जाता था। धीरे 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 जो भी ग्रस्त जीवन में जो भी मनोकामनाएं थी देवहूति की, एक एक करके सारी पूर्ण की। अब इनके घर में संतानें हुई 9, और 9 की 9 बेटियां। कला नाम की कन्या, अनसुईया नाम की कन्या, श्रद्धा नाम की कन्या, हरिर्भु नाम की कन्या, गति नाम की कन्या, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। जिन 9 कन्याओं ने इनके घर में जन्म लिया, जिन 9 की 9 कन्याएं साक्षात नवदा भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, ये सारी की सारी नवदा भक्तियां हैं। ये 9 कन्याओं ने जन्म लिया, 9 कन्याएं थोड़ी सी बड़ी हुई तो कर्दम ऋषि ने हाथ जोड़ दिए, तो कहा कि देवी अब हम वानप्रस्थ के लिए चलेंगे। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जैसे ही 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं ना, 50 के बाद संख्या कौन सी शुरू होती है? 51। तो हमारी वो संख्या कहती है चलो वन। अगर 51 वर्ष की आयु में वन नहीं गए तो अगला वर्ष 52, फिर वो आयु आपसे कहते चलो वन, उसके बाद वन शब्द साथ में लग जाता है। तो कर्दम ऋषि ने ग्रस्त जीवन को अच्छी तरह से निभाया और फिर कहा कि अब वानप्रस्थ की ओर हमने चलना है। देवहूति ने हाथ जोड़े, प्रभु मैं आपको वानप्रस्थ में जाने के लिए मना नहीं करूंगी, लेकिन थोड़ा सा ये विचार करो कि 9 कन्याएं हमारे घर में हैं, मैं अकेली कैसे इनका पालन पोषण करूंगी, बेटियों की जिम्मेवारी ज्यादा होती है, बेटियों का विवाह भी करना है, इनको अच्छे संस्कार भी देने हैं, इनका ध्यान भी रखना है। प्रभु ये कन्याएं हैं, अगर बेटा होता तो बात कुछ और होनी थी। तभी कर्दम ऋषि को याद आया कि भगवान ने तो मेरे से ये कहा था कि मैं आपके घर में पुत्र बन करके आऊंगा, और फिर इंतजार किया, वो समय आया। अब भगवान साक्षात इनके घर में कपिल रूप में प्रणित हुए हैं। बोले कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों सहित इनके घर में आए।
दस पुत्रों को जन्म दिया था ना ब्रह्मा जी ने, उनमें से नारद जी कहीं घूमने के लिए चले गए थे, अन्य जो नौ पुत्र थे वो आए कपिल भगवान का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद जैसे ही जाने लगे, कर्दम ऋषि ने ब्रह्मा जी से विनय की, प्रार्थना की कि महाराज आपके साथ नौ पुत्र हैं और मेरे घर में नौ बेटियां हैं, क्यों ना आप अपने बेटों का विवाह हमारी कन्या के साथ करवा दे, तो महाराज आपकी कृपा हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु, जैसी आपकी इच्छा। तो ब्रह्मा जी के नौ बेटे जो थे, नौ ऋषि जो थे, उनका विवाह नौ कन्याएं, जो कर्दम ऋषि की नौ कन्याएं हैं उनके साथ हुआ। कला नाम की कन्या का विवाह मारीचि ऋषि जी के साथ हुआ। अनसुईया का विवाह अत्रि ऋषि जी के साथ हुआ। अनसुईया मैया की कथा सुनी है ना आपने, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को शेष महीने के बालक बना दिया था। अनसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ। श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि जी के साथ हुआ। हरिर्भु का विवाह पुलस्त ऋषि जी के साथ हुआ। गति का विवाह पुलह ऋषि जी के साथ हुआ। क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि जी के साथ हुआ। वशिष्ठ जी का विवाह अरुंधति जी के साथ हुआ। अथर्वा का विवाह शांति के साथ हुआ। नौ कन्याएं अपने अपने घर में चली गई और कर्दम ऋषि ने फिर कहा कि अब तो देवी हमें वानप्रस्थ जाना ही है। तो कर्दम ऋषि वानप्रस्थ में चले गए। अब घर में केवल और केवल अनसुईया मैया और कपिल भगवान बचे। यमन तो एक बार कर्दम ऋषि बैठे हुए थे चबूतरे के ऊपर, उनका मुख मंडल सूर्य भगवान की तरह चमक रहा था। अब देवहूति मैया ने देखा कि मेरे पति भी चले गए, कन्याओं का विवाह भी हो गया, लेकिन ये मेरा बेटा जो है ये सदा ध्यान में रहता है, ये साक्षात भगवान है, क्यों ना इस भगवान से मैं अपना अज्ञान मिटा लूं। तो जहां पर बंधु जो कथा है ना, ये सांख्य योग की कथा है, सांख्य शास्त्र, कपिल भगवान ने अपनी मैया देवहूति को सुनाया है, और जो पूरे का पूरा गरुड़ पुराण है। व्यक्ति कैसे संसार में आता है, कैसे संसार में अपनी क्रिया को भोगता है, कैसे चला जाता है, लेकिन भगवान का ध्यान करने से ही इसकी मुक्ति है। देवहूति कहती है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। आओ जरा, क्योंकि आप भी बैठे बैठे थोड़े से बोर हो गए होंगे, जरा दोनों हाथ उठा करके आओ, अपना अपना जीवन कपिल भगवान को सौंप दे और उनसे मार्गदर्शन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। दोनों हाथ उठा करके भाव से, बताओ कैसे होगा। कपिल भगवान कहते हैं कि मैया संग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संग करना पड़ेगा। कहा कि बात तो वही है, पहले मैंने माता पिता का संग किया, फिर मैंने अपने भाई बहनों का संग किया, फिर मैंने अपने पति का संग किया, फिर मैंने संतानों का संग किया, जीवन पर्यंत संग ही तो संग किया। तो कहा कि मैया जे संग से कुछ नहीं होने वाला, कौन सा संग करना है? तो कहा कि सत्संग करना है। तो कहा कब करना है? तो कहा कि जवानी में ही करना है, बुढ़ापे में सत्संग नहीं होता। सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ सत्संग करो
हमारे रमेश जी कि आप कथा में आए भी, तो कहा कि आपने तो कथा इतनी ठंड में रखी, हमारे तो घुटने जुड़े हुए हैं, कैसे आए? बुढ़ापे में घुटने दुखे, बुढ़ापे में घुटने दुखे, सत्संग तुम आ नहीं पाओगे, सत्संग तुम आ नहीं पाओगे, सत्संग तुम आ नहीं पाओगे, सत्संग आओ जवानी में।